Welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 mein 30. स्टाइल अवार्ड पर पहुंची अनुष्का यूं तो इवनिंग के लिए थ्रिल्ड दिखीं, मगर यहां जब उनसे मोस्ट स्टाइलिश क्रिकेटर के बारे में सवाल पूछा गया तो न जाने क्यों अनुष्का सिर्फ थैंक यू कहकर चली गई। थैंक यू सो मच। 30 में 30। दीपिका पादुकोण नहीं नजर आएंगी कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर। दीपिका ने कहा कि वो फिलहाल फिल्म पद्मावती में बिजी हैं, इसीलिए वो कान फिल्म फेस्टिवल अटेंड नहीं करेंगी। आपको बता दें, दीपिका इस साल कैटरीना को रिप्लेस करके ऐश्वर्या और सोनम के साथ रेड कार्पेट पर वॉक करने वाली थी। नो, राइट नाउ आई एम जस्ट ऑल माय एनर्जीज आर फोकस्ड ऑन पद्मावती फॉर नाउ। 30 में 30। आलिया भट्ट पहुंची एक इवेंट पर जहां उन्होंने डांस स्टूडेंट्स के साथ न केवल इंटरैक्शन किया बल्कि उनके साथ स्टेज भी शेयर किया। 30 में 30। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रीसेंट अवार्ड नाइट पर नजर आए हैंड इन हैंड। आलिया और सिद्ध के ये विजुअल्स हो गए हैं इंटरनेट पर वायरल और हर जगह होने लगे हैं इनके रिलेशनशिप के चर्चे। आलिया और सिद्ध को कई बार पब्लिकली साथ देखा गया है, लेकिन अब तक ये स्टार्स अपने रिलेशनशिप को लेकर नहीं हुए हैं ऑफिशियल। 30 में 30। रिसेंटली हुई एक स्टाइल अवार्ड नाइट पर स्टार्स का दिखा जलवा। इस अवार्ड नाइट पर सिड, आलिया वरुण से लेकर करण जौहर, शाहिद, हर्षवर्धन, ईशा गुप्ता, काजोल विथाबी, अजय देवगन, सुशांत सिंह राजपूत, बिग बी, सूरज पंचोली, दिशा पठानी, ऋषि कपूर, नीतू कपूर, परिणीति, श्रद्धा, रानी मुखर्जी, जॉन, आयुष्मान खुराना, कबीर खान जैसे कई बड़े नाम पहुंचे। अवार्ड नाइट से अवार्ड लेकर निकली दीपिका काफी खुश लग रही थी और अपनी विन का सारा क्रेडिट उन्होंने अपनी स्टाइलिंग टीम को दिया। वैसे जाते जाते दीपिका की मुलाकात बिग बी से हुई और रेड कार्पेट पर उन्होंने कैमरास के लिए साथ में पोज किया। 30 में 30। सिद्धार्थ ने आलिया और वरुण को कंग्रेचुलेट किया क्योंकि दोनों की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने 100 करोड़ कमा लिए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है। वेल, सिड ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो नहीं पता, मगर जहां तक सोर्सेज ने हमें बताया था, आलिया ने सिड के लिए अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। I have actually not seen the film. I've been shooting Ittefaq. I still have to catch the film. And I know they've done 100 crores, so congratulations to them, the whole team, Dharma, Karan, everybody. Aaj hi, I think, hua hai. So it's been great, yeah. It's been great. 30 mein 30. Later on the show, Sushant karna chahte hain Salman se patch up. 30 एक अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर एक्साइटेड नजर आए। पहले करण को देखकर शाहिद की खुशी सामने आई, फिर वरुण को देखकर शाहिद की एक्साइटमेंट दिखी। वैसे यहां शाहिद ने पद्मावती के रिलीज डिले होने की कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया। We're shooting the film. This entire year is dedicated to Padmavati, so I'm sure we'll complete it and bring it out sometime this year. इसके अलावा जब शाहिद से उनके स्टाइलिस्ट का नाम पूछा गया तो देखिए नाम बताने के बाद शाहिद कैसे रिलैक्स्ड हो गए। This is Khanijo. This is Khanijo, and my shoes are Fendi. See, I remembered. 30 mein 30. एक इवेंट पर स्पॉट किए गए करण से जब उनके ट्विंस को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि कब वो अपने ट्विन चिल्ड्रन की ग्लिम्प्स दुनिया को दिखाएंगे, तो करण ने दिया ये जवाब। Well, I'm very excited to share the wonderful visual of my children with everyone. At the right time, I hope I can share it with everyone very soon. 30 mein 30.
एक अवार्ड नाइट पर दिखा दीपिका पादुकोण का फ्रेंडली नेचर। इस अवार्ड नाइट पर दीपिका ने बी टाउन सेलेब्स के साथ दिखाई अपनी दोस्ती और प्रूव किया कि वो बॉलीवुड की सबसे फ्रेंडली सेलेब हैं। 30 में 30। वरुण अपनी फिल्म बद्रीनाथ के डायरेक्टर के साथ रेड कार्पेट पर फिल्म को मिल रही सक्सेस से बेहद खुश नजर आए और इसका पूरा क्रेडिट आलिया को दिया। साथ ही वरुण ने ये भी कहा कि आलिया को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। उसी औरत को जाएगा जो थोड़ी देर बाद आएगी, जो इस विश्व की बहुत ही महान कलाकार है। मिलना चाहिए मेरे साथ। वरुण अपनी बात कंप्लीट कर ही रहे थे कि परिणीति ने इन्हें ज्वाइन किया और फिर क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। सोनम कपूर के बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा कपूर फैमिली के कितने करीब आ गए हैं इसका अंदाजा इस पिक से लगाया जा सकता है। सोनम की मॉम की बर्थडे पार्टी में आनंद पूरे कपूर फैमिली के साथ आए नजर। 30 में 30। एक्टर इमरान हाशमी को रिसेंटली स्पॉट किया गया उनकी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर। इमरान अपनी फिल्म बादशाहों की शूटिंग करके मुंबई लौटे हैं और जिस तरह से वो अपनी फैमिली के साथ नजर आए इसे देखकर तो यही लगता है कि इमरान की फैमिली उन्हें फिल्म के सेट पर अकम्पनी कर रही है। 30 में 30। एक्ट्रेस बिपाशा बासु को रिसेंटली स्पॉट किया गया उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर। बिपाशा और करण मीडिया के सामने अपनी बॉन्डिंग को खूब फ्लॉन्ट करते आए नजर। हम आपको बता दें पिछले कुछ समय में बार बार खबर आई है कि इन दोनों के एक साथ डील्स की डिमांड की वजह से इनके हाथों से कई प्रोजेक्ट्स चले गए हैं। 30 में 30। ऋतिक रोशन और सुजान रोशन को पिछले कुछ समय में लगातार कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। ऐसे में जब एक इवेंट पर सुजान हमसे मिली तो हमने सुजान से पूछ लिया क्या ऋतिक और वो रिकंसिडर कर रहे हैं साथ आने का डिसीजन। About that subject, I know. I'm happy that you say that because it's true. Yes, thank you. But nothing, there's nothing to talk on that subject. It's very private for me. 30 में 30। सलमान खान को तेवर दिखाने के बाद क्या सुशांत सिंह राजपूत करना चाहते हैं उनसे पैच अप। खबर आ रही है कि अपनी अपकमिंग स्पाई फिल्म को लेकर सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म के मेकर से कह रहे हैं कि उन्हें सलमान की फिल्म एकता टाइगर जैसा ही इस फिल्म को शूट करना है। वेल लगता है सुशांत सलमान से पैच अप की कर रहे हैं कोशिश। 30 में 30। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच चल रही प्रॉब्लम को लेकर एक बड़ी न्यूज सामने आई है। कहा जा रहा है रिसेंटली हुए एक स्टाइल अवार्ड में रणवीर सिर्फ इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो दीपिका पादुकोण को अवॉइड करना चाहते थे। इसका मतलब क्या ये है कि इनके बीच की प्रॉब्लम अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को फेस तक नहीं करना चाहते। 30 में 30। रणबीर कपूर ने गौरी खान को किया थैंक यू। दरअसल कुछ दिनों पहले शाहरुख की वाइफ गौरी ने रणबीर का पाली हिल रोड वाले अपार्टमेंट का इंटीरियर किया था और जिसका शुक्रिया रणबीर ने गौरी को एक थैंक यू नोट लिखकर किया। गौरी ने अपने सोशल हैंडल पर रणबीर के हैंड रिटन थैंक यू नोट की पिक्चर शेयर की है जिसमें लिखा है इट हैज बीन अ वेरी इंस्पायरिंग एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस कोलैबोरेटिंग विद गौरी। आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन पुटिंग माय फर्स्ट होम टुगेदर बट वर्किंग विद गौरी वाज अमेजिंग बिकॉज इन एन इंस्टेंस एवरीथिंग वाज सो पर्सनल एंड टू माई टेस्ट। वेल इससे पहले ऋषि कपूर ने भी गौरी की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ की थी। 30 में 30।
सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी एक अपकमिंग मूवी का फर्स्ट लुक किया आउट। ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट सुशांत ने रॉ के पोस्टर्स अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए बताया कि उनकी ये फिल्म 2018 में रिलीज होगी। वैसे इस फिल्म में सुशांत स्पाई के रोल में होंगे। 30 में 30। अर्जुन कपूर ने अपनी मॉम लेट मोना कपूर की 5th डेथ एनिवर्सरी पर शेयर की ये थ्रोबैक पिक्चर विद द इमोशनल कैप्शन, कम बैक ना प्लीज। अर्जुन ने कैंसर की वजह से अपनी मॉम को 5 साल पहले खो दिया था। 30 में 30। दीपिका पादुकोण का अपने एक्स रणबीर की मॉम नीतू कपूर के साथ ये कैंडिड पिक्चर इंटरनेट पर हो गया है वायरल। इस पिक्चर में नीतू और दीपिका की बॉन्डिंग इस बात को जाहिर कर रही है कि ये एक दूसरे के साथ आज भी है कॉर्डियल। वैसे इन दिनों रणबीर के साथ दीपिका के ब्रेकअप और रणबीर के साथ उनकी क्लोजनेस की न्यूज कई बार आ चुकी है। ऐसे में दीपिका का नीतू कपूर के साथ ये बॉन्ड इस तरह की न्यूज को और हवा दे रहा है। 30 में 30। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मॉलस्टेशन सीन को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर बोले वरुण धवन। वरुण ने कहा कि अगर 10 में से 2 लोग किसी चीज को पसंद नहीं करते तो उसे मास ओपिनियन नहीं कहा जा सकता। वरुण सेड, आउट ऑफ 10 इफ 2 डोंट लाइक समथिंग दैट डजंट काउंट एज मास ओपिनियन। इन 3 इडियट्स देयर्स अ सीन वेयर अ कैरेक्टर कंफ्यूजेस अ हिंदी वर्ड फॉर बलात्कार। पीपल शुड हैव बीन ऑफेंडेड बाय दैट एज वेल। वी डिडंट मीन टू हर्ट एनीवनस सेंटीमेंट्स एंड इफ वी डिड सो अननोइंगली वी अपोलोजाइज। 30 में 30। कंगना रनौत के इंटरफेरेंस की वजह से केतन मेहता ने छोड़ी फिल्म रानी लक्ष्मीबाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कंगना पहले इसकी स्क्रिप्ट में अपने इनपुट्स दे रही थी जिन्हें डायरेक्टर केतन मेहता ने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर कंगना डिमांड करने लगी कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगी और कंगना का इतना इन्वॉल्वमेंट केतन को पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म से ऑप्ट आउट कर लिया। 30 में 30। कृति सानन और सुशांत सिंह राजपूत के ब्रेकअप की न्यूज रिसेंटली आई थी और अब कृति ने कर दिया है अपना ब्रेकअप कंफर्म। कृति ने सुशांत के साथ अपने रिलेशनशिप पर कहा, यू कैन प्लान अ रिलेशनशिप, यू कनेक्ट विद पीपल और यू डोंट, आई एम सिंगल ऑनेस्टली, बट आई एम ओके डेटिंग समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री। अ बॉयफ्रेंड वुड हैव टू अंडरस्टैंड माय प्रोफेशन एंड इट्स नॉट एन इजी वन टू अंडरस्टैंड अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ इट। 30 में 30। सलमान कटरीना के साथ कबीर खान भले ही टाइगर जिंदा है में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सलमान कटरीना के कमबैक से खुश नजर आए और कहा कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट जितना ही सेकंड पार्ट भी एक्साइटिंग होगा, लेकिन ट्यूबलाइट पर बात करने से उन्होंने मना कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी टाइगर का सेकंड जर्नी शुरू हुआ है एंड इट्स गुड टू सी कटरीना एंड सलमान बैक टुगेदर एंड आई थिंक अली इज आल्सो चोजन सम ब्यूटीफुल लोकेशंस टू कंटिन्यू विद यू नो व्हाट वी डन इन द फर्स्ट पार्ट एंड आई थिंक इट विल बी एज एक्साइटिंग इफ नॉट मोर। ट्रेलर रिलीज करेंगे, फर्स्ट लुक रिलीज करेंगे एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। 30 में 30। शाहरुख मन्नत में यूट्यूब सेंसेशन लिली सिंह एके सुपर वुमन के लिए मन्नत में प्राइवेट सेशन करेंगे होस्ट। दरअसल लिली सिंह इंडिया आ रही हैं फॉर अ 3-सिटी टूर और खबरें हैं कि अपने किड्स के लिए शाहरुख ने लिली सिंह को अपनी मन्नत में इनवाइट किया है। वैसे जब भी लिली सिंह इंडिया आती हैं, कोई ना कोई बॉलीवुड स्टार उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन शाहरुख फर्स्ट सेलिब्रिटी हैं जो लिली सिंह के इस बार उनकी इंडिया विजिट के दौरान पहली बार मिलेंगे। 30 में 30। Coming up on the show, nepotism debate में कंगना को मिला किस एक्टर का साथ? तीस में तीस।
नेपोटिज्म डिबेट में फाइनली कंगना रनौत को मिला है एक एक्टर का साथ। रिपोर्टेडली मनोज बाजपेयी ने कहा है कि कंगना रनौत को नेपोटिज्म डिबेट शुरू करने के लिए थैंक्स कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पर आउटसाइडर्स बात करने से डरते हैं। 30 में 30। करण जौहर के चिल्ड्रन रूही और यश से अब तक बॉलीवुड का कोई सेलेब नहीं मिल पाया है, लेकिन करण के एक करीबी को मिला बेबी यश और रूही से मिलने का मौका। और करण के ये करीबी हैं अयान मुखर्जी। करण के बेबीज हॉस्पिटल में हैं और मंथ एंड तक घर आ जाएंगे। ऐसे में अयान करण के साथ पहुंचे उनके बेबी से मिलने हॉस्पिटल, जहाँ उन्हें किया गया कैप्चर। 30 में 30। कपिल शर्मा से राइवल चैनल पर कम्पीट करेंगे सुनील ग्रोवर। रिपोर्टेडली सुनील ग्रोवर और अली असगर कपिल के शो से कम्पीट करने के लिए एक नया शो लाने जा रहे हैं। सोर्सेस का कहना है एक राइवल चैनल ने ऑलरेडी सुनील और अली को काफी बड़ा अमाउंट ऑफर किया है, और अब लगभग तय माना जा रहा है कि अब सुनील कपिल के शो पर वापस नहीं आएंगे। 30 में 30। सोशल मीडिया पर अपने विटी व्यूज के लिए नोन फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल अपने एक ट्वीट में शिरीष ने यूपी के न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को गून कहा था, जो उनके सपोर्टर्स को पसंद नहीं आई, और रिपोर्टेडली उन्होंने शिरीष के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। वैसे शिरीष ने इस मामले को बढ़ता देख सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है। 30 में 30। कंगना रनौत ने अपने 30th बर्थडे पर खुद को 3-story बंगलो गिफ्ट किया है। खबर है कि कंगना अपने न्यू बंगलो का इंटीरियर बिल्कुल मनाली वाले अपने घर की तरह करवा रही हैं, फ्रॉम द स्टोन फ्लोरिंग टू द रस्टिक रूफ। आपको बता दें कंगना की ये नई प्रॉपर्टी उनके खार वाले रेजिडेंस के काफी क्लोज है।